यात्रियों की शिकायतों, उनके व्यवहारों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए रेलवे अब बॉडी वन कैमरे की मदद ले रहा है। ये कैमरे आरपीएफ के उन जवानों के शोल्डर पर सेट किए जाते हैं जो लंबी दूरी की गाड़ियों में पेट्रोलिंग करते हैं। कई बार ट्रेनों में यात्रियों के साथ होने वाली घटनाओं और असुविधा के दौरान आरपीएफ और जीआरपी के बीच समन्वय का अभाव देखा जाता है। साथ ही किसी भी अप्रिय स्थिति के दौरान पारदर्शिता की कमी देखी जाती है। ऐसे में अब रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ इन दिनों बॉडी वन कैम का प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। गश्त करने वाले जवानों के कंधों पर लगे इन कैमरों की सहायता से ट्रेनों की हर गतिविधि रिकॉर्ड होगी। और देखिएगा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन समय समय पे अपने स्टेप लेता रहता है। पहले हम लोगों ने जो हैंडी कैम से पूरा उसकी रिकॉर्डिंग कराते थे अपर क्लास कोचेज की, अब अभी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसमें हम लोगों ने जो आरपीएफ के जवान के साइड में एक कैमरा है उसको किया है, तो वो हर कोच में जाएगा और उसको निकलते हुए तो वो सभी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते किया गया है। अगर कुछ भी अगर अनयूजुअल होता है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल प्रायोगिक तौर पर दो कैमरों की सहायता ली जा रही है। आशातीत सफलता मिलने के बाद इन शोल्डर कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसी प्रकार वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी ने यह भी बताया कि यात्रियों को सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कोच लगाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। देखिएगा, वेस्टर्न रेलवे ने इस बार 24 ट्रेनों के अंदर एडिशनल कोच लगाने की व्यवस्था की है और जो 24 ट्रेन है वो सभी रतलाम मंडल से गुजरती हैं, रतलाम से नागदा होते हुए निकलती हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर में हमारी दो ट्रेनें हैं जिसमें हम लोगों ने एडिशनल कोच लगाए हैं। एक तो इंदौर से जो बॉम्बे जाती है अवंतिका एक्सप्रेस और बॉम्बे से इंदौर आती है अवंतिका एक्सप्रेस, उसमें एक स्लीपर कोच लगाए हैं। इसके साथ में एक इंदौर से गुवाहाटी जाने वाली कामाख्या और वहाँ से लौटने वाली कामाख्या में हम लोगों ने 2-3 AC कोच लगाए हैं। इस तरह से ये सुविधा प्रदान की गई है। इसके साथ में हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस ट्रेन के अंदर ज़्यादा रश है उसमें भी एडिशनल कोच बढ़ाने की व्यवस्था कर सकता है रेल प्रशासन। वहीं देश के महानगरों एवं बड़े स्टेशन की तर्ज पर इंदौर में भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगाए जाएंगे। देखिए, भारतीय रेलवे पे हम लोग नई नई सुविधाएं यात्रियों को प्रदान करते हैं। उसके तहत जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ पे हम लोग पहले चार्ट पर चिपकाते थे रिजर्वेशन के जो भी, तो अब उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होंगे जिससे कि आप लोग उसे देख पाएंगे कि अपना नाम उसमें सब कुछ आएगा। तो इस तरह से प्लान किया गया है इंडियन रेलवे पे और ये बड़े बड़े स्टेशन की है। अभी हम लोग बड़े स्टेशन पर लगाएंगे और इसके बाद में आने वाले टाइम में अगर हमें ये सक्सेस मिलता है तो फिर उसके आगे भी सोचा जाएगा।